बेरोजगारी है, इसको लेकर के जहां विपक्ष चिंतित है वहीं सत्ता पक्ष भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सार्थक परिणाम आने चाहिए वो परिणाम नहीं आ पा रहे। जैसा डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा, चाहे वो सीएमई के आंकड़े हों, 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय के आंकड़े, और आज जब हम सदन में इस बात को उठा रहे हैं, हमने पिछले भी सत्र में बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर माननीय श्रम मंत्री जी से कुछ जानना चाहा था, तो आज बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और नौजवान महंगी शिक्षा, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आज वो घूम रहा है, और जो आपके रोजगार मेले लग रहे हैं उन रोजगार मेलों में जब वो जा रहा है, चयनित हो रहा है, तो माननीय श्रम मंत्री जी आप उसकी समीक्षा कर लें, चाहे आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां हो रही हों और चाहे आप रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्तियां हो रही हों, इतना कम पैसा उसे मिल रहा है कि नौजवान 2-4-5 महीने भी उससे अपना गुजारा नहीं कर पा रहा है, अंत में वहां से हट जा रहा है। और एक तरफ आपको यह भी समीक्षा करनी पड़ेगी, हम आरोप के लिए आरोप नहीं लगाते, सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं आपके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक होने के कारण, भ्रष्टाचार होने के कारण बहुत सी भर्तियां जिनका परिणाम आ जाना चाहिए था लेकिन आज तक परिणाम नहीं आया। 68,500 शिक्षक भर्ती में बहुत से पद खाली हैं, लगातार नौजवान आपके मंत्रियों का चक्कर काट रहा है, सचिवालय का चक्कर, अधिकारियों का चक्कर काट रहा है, लेकिन तरह तरह की बातें करके शिक्षा मंत्री कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लो। डॉक्टर संग्राम, आप प्रश्न करिए। तो माननीय अध्यक्ष जी, जी आज जो भ्रष्टाचार के कारण प्रतियोगी परीक्षाएं, जो पेपर लीक के कारण जिसमें परिणाम नहीं आ पाए, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रश्न करिए। जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 दो बार संशोधित परिणाम आया, इसके बाद भी आज प्रक्रिया अधर में पड़ी हुई है। प्रश्न कर लीजिए। तो मैं सरकार से प्रश्न करता हूं, क्या सरकार प्रभावी पैरवी करके जो हाई कोर्ट में इस तरह से भर्तियां का जिसपे आपके सार्थक जिसके कारण प्रयास ना करने के कारण आज बरसों बरस से नौजवान चक्कर काट रहा है, क्या सरकार प्रभावी पैरवी करके ऐसे बेरोजगार नौजवानों को न्याय देने का काम करेगी? और दूसरा मनवर, आउटसोर्सिंग ये कैंसर से भी घातक बीमारी है बेरोजगार नौजवानों के लिए। कहां बीटेक एमटेक, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले नौजवान, 8,000-12,000 हमारी प्रशिक्षित बहनें नर्स, और उसमें आप कौन सा नियम लागू कर दिए, एक नई सामंती व्यवस्था ला करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से खड़ा कर दिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के भारत के संविधान के द्वारा जो हमें आरक्षण मिला था वो आरक्षण को तो आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया। हमारी बहनें 8-12,000 पे प्रश्न करिए, भाषण काफी हो गया, 15 मिनट हो गए। तो क्या सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी कि जब आप उनको टेजरी से वाले संस्थान मंत्री जी पैसा दे रहे हैं तो आपको आउटसोर्सिंग रखने, ठेकेदार रखने की क्या आवश्यकता है? आप अपने विभाग से कहिए वो संविदा भर्ती करें, तो कम से कम जो 2-3 हजार रुपए कटौती हो जाती है उसके वेतन से वो तो नहीं होगी। तो सरकार ऐसे गंभीर प्रश्न पर आउटसोर्सिंग को आप खत्म करिए, बहुत भ्रष्टाचार है। ठीक है, और उसकी जगह पर अब हो गया भाषण आपको दे। मैं माननीय मंत्री जी से इन्हीं प्रश्नों का उत्तर, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री।